सांप्रदायिक सौहार्द एवं चाक चौबंद व्यवस्था व कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आयोजित की गई पत्रकार वार्ता। प्रभारी अजय संकत द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपील की गई कि आगामी दिनों में आने वाले राम मंदिर फैसले पर शांति एवं सौहार्द्रता बनाए रखने की लोगों से अपील की गई है। किसी भी प्रकार सांप्रदायिक हिंसा न भड़के एवं शांति व्यवस्था बनी रहे एवं लोगों से अपील की गई कि प्रशासन के बिना अनुमति के धारणा आंदोलन व सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज इत्यादि न डालें एवं धारा 144 के अंतर्गत सभी नियमों का पालन करें। एसडीएम साहब, तहसीलदार, सीएमओ साहब की उपस्थिति में समस्त नगर के पत्रकार बंधुओं की मीटिंग ली गई और जिसपे कल हमारे यहाँ बीजेपी का आंदोलन है, 10 तारीख को मिलाद-उन-नबी का त्यौहार है और इसी दरमियान अयोध्या मंदिर से संबंधित कुछ निर्णय आने की संभावना है, इसको लेकर शांति समिति की मीटिंग ली गई है। पत्रकार बंधुओं से निवेदन किया गया है कि नगर में शांति बनाए रखें, पुलिस का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें, साथ ही जो फेक न्यूज है उस पर प्रतिबंध लगे। इस तरह की कोई न्यूज प्रसारित की जा रही है उस पर कहां से आई है, किस तरह से उसको डिलीट किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, उसकी समय रहते हमको सूचना दी जाए और जो भी सूचनाएं इस तरह की मिल रही हैं जो कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली है वो हम एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे। हमारे पुलिस का प्रशासन का सर आपत्तिजनक जो तत्व हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ, ये है कि अभी हमारे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब करीब 85 ऐसे लोग हैं जो सांप्रदायिक हैं और अपराधी प्रवृत्ति के हैं, इनकी लिस्टिंग की गई है और जिनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जिला बदर के जो आरोपी हैं जो जिले से बाहर हैं वो ऐसे मौके पर आ जाते हैं, उन पर सतत निगाह रखी जा रही है और जो भी व्यक्ति सामाजिक तत्व हैं, अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, सांप्रदायिक हैं और ऐसे जो जिनसे संभावना के कारण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। सर आज शांति समिति की बैठक रखी गई है, क्या शांति समिति की बैठक रखी इसलिए गई थी कि आज अभी 10 तारीख को ईद मिलाद-उन-नबी भी है और अयोध्या का वो भी आने वाला है डिसीजन, तो हमारा ये इसलिए शांति समिति की बैठक रखी गई थी कि अपने भाईचारा बना रहे अपने नरसिंहपुर में और ऐसा कोई मीडिया में कोई व्यापक प्रचार प्रसार या सोशल मीडिया में कोई अफवाहें फैलती हैं तो उसको रोका जाए और जो यदि कोई गलत खबर जा रही है तो हम लोग को अवगत कराया जाए तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, हम लोग तो बिजी रहते हैं, मीडिया के पास बहुत सी जानकारी रहती है, इसलिए मीडिया की हमने बैठक रखी थी और मीडिया के समक्ष ये रखा है कि यदि कोई ऐसा कुछ विवादित पोस्टर या विवादित बयान कुछ जारी होता है तो उसको तत्काल हमको सूचना दी जाए।